हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टैन डे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ अक्टूबर इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन हम देखेंगे हर एक जोरी एक साइन क्या फील करता है इंटेंशन एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टेन डेज ऑफ अक्टूबर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट टेन डेज के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू अक्टूबर एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू अक्टूबर है, है आपकी, आपकी आपके पास जो भी पार्टनर है अभी, आपकी विश है वो इंसान, मतलब आपको जिस तरीके का इंसान चाहिए था वो आपकी लाइफ में है या आ रहा है सो so, आपकी विश पूरी हो रही है लाइक like, आपका जो इमोशनल नीड्स है वो फुलफिल हो रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी और यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन ऑल आपकी एक हैबिट है दूसरे को इम्प्रूव करना उसमें चीजें निकाल के लाइक पॉइंटर्स निकाल के कि दूसरे के अंदर क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है एंड दूसरे को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना तो आप होता क्या है कि उस चक्कर में दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं विच इज ऑफकोर्स लाइक अ मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म बट देन वो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहता है आपकी तरफ से हो सकता है दूसरा उसको पॉजिटिवली ना ले बट यहां पे आपकी तरफ से जो फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि दूसरे में आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिख रहा है बट आपको ये भी लग रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज माई विश फुलफिलमेंट एंड वट एवर आई हैव विश्ड फॉर टिल डेट वो चीज मेरी पूरी हो रही है अगर मुझे ये इंसान मिल जाए लाइफ में तो या इस इंसान के आने से मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है ठीक है सो मेरी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो गई तो आपकी मैनिफेस्टेशंस इन ओ वे पूरी हो रही हैं आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही है इस इंसान के आने से एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर नेक्स्ट टेन डेज के लिए एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर Aquarius के पार्टनर की क्या feelings है towards Aquarius? Uh, Aquarius, आपके जो हैं, वो न, um, वो ना फीलिंग में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं एज इन लाइक उनका जो लाइफ का मोटिव है वो ये है कि क्योंकि अभी वो फाइनेंशियल पिंच उनकी लाइफ में हैव गॉन थ्रू इट एंड फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कुछ तो वो ना थोड़ा आइसोलेशन मोड में है उन्होंने थोड़ा विड्रॉ कर रखा है अपने आप को बाकी दुनिया से सो so, आपको लग रहा है कि आपको आपका इंसान मिल गया है एंड मैं इसको जिंदगी जीना सिखाऊंगा मैं इसको बताऊंगा कि लाइफ को कैसे आगे जीना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा बट ये इंसान अभी विड्रॉ कर रखे हैं बिकॉज इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड इनका थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड भी चल रहा है आइसोलेशन भी है एंड दे प्रॉब्लली डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल द ज्ञान दैट आप उनको देंगे ठीक है तो वो उस ज्ञान को भी नहीं सुनना चाहते हैं दे आर नॉट इन द मूड तो उनकी लाइफ थोड़ी अभी फाइनेंसिस के आसपास रिवॉल्व कर रही है दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट दे वॉन्ट मटीरियलिस्टिक कम्फर्ट्स इन देर लाइफ एंड उस चीज की वो इच्छा कर रहे हैं उस चीज के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है अगेन काम कर रहे हैं अकेले रह रहे हैं आइसोलेट कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं कि हाँ मैं कहाँ गलत गया मुझे नेक्स्ट टाइम किस तरीके से चीजें ठीक करनी है बट आप और ये इंसान सेम टैंजेंट पे नहीं है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द finances एंड हाउ टू बिकम financially स्टेबल यू आर कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन देम and how to improve them and how to make their life easy and simultaneously आपके और उनके पार्टनरशिप के बारे में भी But उनका ऐसा कोई भी थॉट um, प्रोसेस नहीं hai They are very much concentrated only on money. सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट टेन डेज के लिए सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फ़र्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए Uh, देखिए एक्वेरियस आप में से जो लोग सिंगल हैं आई फील आप लोग ना मूव ऑन कर रहे हैं आप किसी पास रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं कोई पास ट्रॉमा से मूव ऑन कर रहे हैं हील कर रहे हैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है जो हुआ उसको पास में छोड़ते हैं एंड आगे मूव ऑन करते हैं ताकि हमारे इमोशनल बैगेजेस साथ में ना जाए लाइक like, मेरे जो भी इमोशनल बैगेजेस थे वो मेरे साथ में आगे के रिलेशनशिप में या आगे की लाइफ में ना जाए सो यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन साइमल्टेनियसली आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ सो दैट आगे की लाइफ और बेहतर हो ट्रॉमा फ्री हो बेसिकली ऑल्सो आपका जो इंट्यूशन um, है ना वो बहुत ऑन पॉइंट हो रही है सो यू आर प्रॉब्ली इन अ प्लेस वेर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर आपको वो गट फीलिंग को आप फॉलो कर रहे हैं इन ट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हैं एंड um, आप बहुत काम हैं बहुत कम्पोज हैं बिकॉज यू नो वॉट इज कमिंग टूवर्ड्स यू सो कई सिचुएशन को लेकर यू आर वेरी एम्पेथेटिक वेरी कंपेशनेट कई चीजों को लेकर यू आर लाइक ठीक है मैं दूर से देखूंगा तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पहले ही समझ आ जाएगा आप उसको लेकर प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को एंड साइमल्टेनियसली मूव ऑन एंड हीलिंग वाली सिचुएशन तो चल ही रही है वो तो आप उस चीज से कंटिन्यूसली मूव ऑन करते रहोगे आगे बढ़ते रहोगे प्रोग्रेस चलता रहेगा <coughs> अब हम देखते हैं हर एक जोड़ी साइन क्या इंटेंशन एनर्जीज रखता है या फीलिंग्स रखता है टूवर्ड्स एक्वेरियस बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और क्रिस्टल्स और रेकी स्क्रीन पे पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं माइग्रेन पीसीओडी थायराइड थारॉयड इनडाइजेशन गट इश्यूज एक्ने ये सारी चीजें हो गई या फिर अगर आपको इमोशनल बैगेजेस है फियर ऑफ आइसोलेशन है फियर ऑफ अबेंडनमेंट है रिलेशनशिप uh, ट्रॉमा है चाइल्ड हुड ट्रामा है क्लैरिटी नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है बहुत सारी चीजें होती हैं तो ये इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज आपके चक्रास होते हैं अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे करते हैं चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से भी इस चीज को ठीक कर सकते हैं आ, या फिर आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे जो भी आपको कन्वीनियंट लगे अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूं अगर आपको लगता है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है तबियत बहुत जल्दी खराब हो रही है मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं तो हम आपका और क्लेंस कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यू वॉन्ट टू कट कॉर्ड्स विद और विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं आपका और किस कलर का है या फिर आपका जो चक्रा है कौन सा सबसे वीक है तभी तो आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं तो ये सारा प्रोसेस हम और स्कैनिंग से कर सकते हैं बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल ऑफ दीज आर हीलिंग प्रैक्टिस अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे अगर आप बिलीव नहीं करेंगे इन सब चीजों में देन इट विल नॉट गिव एनी रिजल्ट अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए आपको लग रहा है कि आपका बचपन का जब आप पंद्रह साल के थे तब से लेकर अभी तक जो आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो मैं दो हफ्ते में ठीक कर दूंगी या कोई और हीलर कर देगा नहीं इट डजेंट वर्क लाइक दैट सो यू नीड टू बी पेशेंट अगर आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर मैजिक स्पेल नहीं हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे हीलिंग हो रही है सो बिलीव करिए कि हाँ रिजल्ट आएगा एंड पेशेंस रखिए ओके बिकॉज होता क्या है उससे फिर टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होता है दोनों पार्टीज का आपका भी मेरा भी सो so, उसको रिस्पेक्ट करते हैं एंड थोड़ा सा क्लैरिटी रखते हैं क्या चाहिए एरीज एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज अगर आपकी लाइफ में आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं क्वेरीज तो यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड यू कैन बी लाइक के Uh, हाँ ठीक है यू you नो know, ये इंसान अच्छा तो है बट मेरी लिस्ट के हिसाब से नहीं है वो आप रिजिडिटी हटानी पड़ेगी आपको आप उतने रिजिड नहीं हो सकते यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड दिस कुड बी योर सोलमेट बट देन दिस पर्सन मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशंस और योर यूजुअल टाइप यूजुअल लिस्ट जो है तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा अपनी रिजिड माइंड को साइड रखना पड़ेगा टॉरस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए आप दोनों को अपने अपने एंड पे अपनी फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है रेकी से क्रिस्टल से जिस भी चीज से या अदरवाइज जस्ट बाय फॉरगिविंग योर पेरेंट्स फॉरगिव करिए आगे बढ़िए उस चीज को कब तक आगे लेके चलेंगे जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे फैमिली इश्यूज को हील करेंगे आपका रिलेशनशिप को फायदा होगा आपका रिलेशनशिप और अच्छे से नर्चर होगा ठीक है बिकॉज आपने बैगेज छोड़ दिया जैसे ही बैगेज छोड़ दिया तो भार हल्का हो गया तो रिलेशनशिप आगे अच्छे से निभा पाएंगे जेमिना एंड एकस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिना से यू नीड टू फ्री योर सेल्फ मे बी दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू वो आप पे कंट्रोल करते हैं आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आपको डोमिनेट करते हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जस्ट फ्री योर सेल्फ अगर आप खुश नहीं हैं अपने मन की चीजें नहीं कर पाते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं इस रिलेशनशिप में तो बाहर आ जाइए कैंसर एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं हो सकता है आपको ये लगता हो दैट यू नो लाइक आई डोंट डिजर्व लव कोई अच्छा इंसान क्यों मेरे साथ आएगा एंड स्पेशली कैंसर वाई वुड दे फॉल इन लव विद मी देर इज नथिंग स्पेशल सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं दैट यू डिजर्व लव यू आर लवेबल अपने आप के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ही तो दूसरा इंसान अच्छा सोचेगा आपके बारे में सबसे पहले तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लव योर ओन सेल्फ नॉट एनीम एल्स ठीक है लियो एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए देखिए लियो के साथ आपका जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है ना उसमें आपको एफर्ट लेना पड़ेगा ठीक है एंड एफर्ट लेने के बाद एज एन लाइक एफर्ट लेना पड़ेगा आपको ये लग सकता है कि इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा मेरी एनर्जी तो नहीं वेस्ट होगी बट नहीं वेस्ट होगा इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट जस्ट टेक दैट एफर्ट जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप मेक दैट एफर्ट ठीक है अपनी तरफ से चीजें करिए ओके वर्गो एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो दिस पर्सन कुड बी द वन ठीक है Universe, Virgo, one, आप इससे ऑलरेडी मिल चुके हैं यू ऑलरेडी मैन द रोमांटिक पार्टनर द वन यू आर सीकिंग ओके सो दिस कुड बी द वन एक्वेरियस लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए हनीमून पीरियड चल रहा है या तो आपका या फिर लाइक like, रिलेशनशिप का हनीमून पीरियड हो सकता है या जेन्य हनीमून पे जा रहे हैं आप लीब्रा एंड एक्वेरियस और मे बी इट्स नॉट अबाउट हनीमून बट इट्स इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम टूगेदर गोइंग ऑन अ वेकेशन गोइंग ऑन अ हॉलीडे टूगेदर वो वाली चीज भी हो सकती है ट्रैवलिंग एंड लाइक like, एक हनीमून ब्लिस वाला टाइम ठीक है हॉलीडे टाइम स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो uh, के साथ अगर आप डील कर रहे हैं देन यू नीड टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट बिकॉज जैसे ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको चाहिए क्या तभी तो आपको चीज मिलेगी तभी वो चीज मैनिफेस्ट होगी सो so, हमारे पास कार्ड है वेरी सुन का तो चीज आपको बहुत जल्दी मिल सकती है अगर आप क्लियरली डिसाइड कर लें आप क्लैरिटी ले आए इन टर्म्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन व्हाट यू वॉन्ट लाइक द काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बी विद द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वॉन्ट टू बी इन ठीक है um, सैजिटेरियस एंड एकस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए बहुत सॉलिड केमिस्ट्री देख रही है मैग्नेटिक uh, अट्रैक्शन है काफी अच्छा यहाँ पे काफी सॉलिड स्ट्रॉन्ग मैगनेटिक अट्रैक्शन है एंड स्पाक uh, काफी अच्छा है ठीक है अट्रैक्शन केमिस्ट्री जो भी बोल लीजिए सो so, वो कहते ना कि uh, दोनों तरफ से इक्वल इंटरेस्ट है दोनों तरफ आग लगी हुई है वो वाली चीज है यहाँ पे केप्रिकॉन एंड लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए हो सकता है केप्रिकॉन के साथ आपको लगे कि या अदरवाइज यूजुअल लाइफ में आपको लगता हो कि इज इट सेफ फॉर मी टू लव एज इन मेरे साथ वही सारी चीजें रिपीट तो नहीं होंगी जो पास्ट रिलेशनशिप्स में हुई वही धोखा वही झूठ सच डंपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि इफ यू आर डीलिंग विद अ विद्रिकॉन देन इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन बिकॉज वंस यू ओपन योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन ना टू प्रॉब्ली गिव और रिसीव लव यू विल रियलाइज दैट इट्स सेफ लाइक आई कैन बी वॉलरेबल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन एंड ही वोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड इक्वेरियज एंड एकज के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज बताइए इंगेजमेंट हो सकती है आप दोनों की एंड आपकी जो लव लाइफ है इट इज लाइक एक हाईर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जा रहे हैं आप ठीक है तो जिस भी स्टेज पे है उसके नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं आप दोनों इक्वेरियस एंड एकवेरीज अगर आप डील कर रहे हैं दूसरे के साथ तो पाइसेज एंड एकज के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस आपका सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ आपकी प्रेयर एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन एवरीथिंग इज लाइक कमिंग टू फ्रूशन ठीक है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है एंड पाइसिस सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी सारी प्रेयर्स वगैरह सब कुछ चीजें कंप्लीट हो रही है फुलफिल हो रही है आपकी विशेष ओके बट येस मोरऑलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक like करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा तारों को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय